पारा साक्षात्कार शिव का रूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पारे को भगवान शिव का वीर्य भी माना गया है। अगर आप इसकी पूजा करते हैं, शास्त्र के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप 1000 शिवलिंग की पूजा करें या पारस शिवलिंग का दर्शन मात्र से सेम बेनिफिट मिलते हैं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं मोती सिंह राजपुरोहित आज आपके लिए लाया है पारद के बेनिफिट। पारद का शिवलिंग क्या होता है और इसका क्या महत्व है और आप इसको कहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। आज आपके सामने जो दिख रहे हैं ये सुंदर सुंदर शिवलिंग सारे पारे से बने हुए हैं और पारे का शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध और सबसे उत्तम माना गया है शिवलिंग के रूप में। साक्षात्कार शिव की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप पारद के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पारा होता है क्या? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हार्ड फॉर्म में लाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें कुछ संस्कार किया करके, जैसे 8 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, 12 संस्कार होते हैं, संस्कार से 70% पारा होता है और उसमें 30% जड़ी बूटी और संस्कारीकरण करने के बाद पारे को शुद्धिकरण किया जाता है। जब पारे को शुद्धिकरण किया जाता है तब वो हार्ड फॉर्म में बनता है। हार्ड फॉर्म में बनने के बाद इंस्टेंटली उसको अलग अलग शेप आप दे सकते हैं, तब जाके ये शिवलिंग बनता है। और ये आश्रम वगैरह में भी बनता है, हर कोई इसको बना नहीं सकता है। पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड लोग हैं जो ये पारे को हार्ड फॉर्म में कर सकते हैं, ये काफी इम्पॉसिबल होता है। और अभी जैसे कि 2022 के अंदर महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप घर पे पारे का शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उससे उत्तम कोई कार्य नहीं है। पारा साक्षात्कार शिव का रूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पारे को भगवान शिव का वीर्य भी माना गया है। अगर आप इसकी पूजा करते हैं, शास्त्र के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप 1000 शिवलिंग की पूजा करें या पारस शिवलिंग का दर्शन मात्र से सेम बेनिफिट मिलते हैं। तो आप इसको महाशिवरात्रि के दिन आप स्थापित कर सकते हैं। अपने योग्यता के अनुसार आप पारे को ले सकते हैं। ये काफी हेवी और थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो पर ग्राम में इनका रेट्स वगैरह रहते हैं, तो आप इजीली कहीं से भी इसको ले सकते हैं। पारा शिवलिंग को आप स्थापित कर सकते हैं। छोटी साइज में होते हैं, जो अपने हाथ का अंगूठा का साइज होता है, इससे छोटी साइज का कोई भी शिवलिंग आप घर पर रख सकते हैं, उससे कोई भी आपको दोष नहीं लगता। अगर उससे बड़ी साइज का आप शिवलिंग लेते हैं, अंगूठे की बड़ी साइज का, तो उसको आपको डेली बेसिस पे सुबह और शाम पूजा पाठ करना अनिवार्य रहता है। लेकिन आप इससे छोटी साइज का शिवलिंग कहीं पे भी आप घर में स्थापित करते हैं तो उसका डेली बेसिस पे रिचुअल्स करने या पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रहती है। आप उसे सिर्फ नमस्कार प्रणाम करके जाएंगे तो भी चलेगा। अगर आप कभी बाहर वगैरह जा रहे हैं, घर आपका बंद है, तो भी कोई इश्यू नहीं होता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा काफी लोग पारे का शिवलिंग का उपयोग करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से भी कि ये जो महाशिवरात्रि आ रही है 2022, इस 2022 की महाशिवरात्रि में आप लोग भी पारे का शिवलिंग का पूजा करें, क्योंकि अभी जो COVID-19 का जो अभी समय चल रहा है, ये ओमिक्रॉन वगैरह जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, इसके अंदर अभी पॉसिबिलिटीज नहीं हो रही है कि आप मंदिर पे जाएं और वहां पे दर्शन कर सके और लंबी लंबी लाइन में लगे। तो उसका आप एक अच्छा बेनिफिट क्या ले सकते हैं कि अपना पारे का शिवलिंग घर पे स्थापित करके आप भी बेनिफिट ले सकते हैं उसके दर्शन के, और आपके जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको भी दर्शन करवा सकते हैं। इससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और जो समय का जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं सही तरीके से, और भगवान शिव की पूजा भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इस पे आप अभिषेक वगैरह करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और आप सुबह और शाम पूजा पाठ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसका महत्व बहुत ही अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो शिवलिंग का जो सही रूप है वो पारा है, और पारे का जो शिवलिंग सबसे उत्तम माना जाता है। नमस्कार।